एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है सरोजनी नगर हॉल और ये एकदम मेरा पहला हॉल है सरोजनी नगर का मेरे चैनल पे। तो अभी मैं रिसेंटली एक दिन पहले ही सरोजनी नगर गई थी एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं चली गई सैटरडे को वीकेंड पे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी आप पूछो मत, मेरे से इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा था मैं व्लॉग भी बनाऊंगी लेकिन मैं बना ही नहीं पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो जो जो सामान मेरे को पसंद आया वो मैंने ले लिया और मैंने ना कुछ भी 250 रुपये के ऊपर नहीं लिया जहाँ तक मेरे को ध्यान है। हाँ शायद नहीं लिया मैं 250 रुपये के ऊपर कुछ भी, सारा सामान उसके नीचे ही आता है और इतना बहुत सारा सामान भी नहीं है ना, ऐसे ही कि बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी मुझे हमेशा समझा के भेजती है कि कूड़ा मत ले आइयो। क्योंकि पता है क्या है, मैं ना पहले जब जाती थी तो मैं देखती थी इतना सस्ता तो ना मैं उठा के ले आती थी और मैंने आज तक वो फिर पहने ही नहीं होते थे ज़िंदगी में क्योंकि घर की चीज़ पसंद नहीं आती थी या फिर उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत निकल जाती थी, साइज़ इशू या ख़राब। तो इसलिए अब मैं ध्यान से देख के लेती हूँ कि कम ही लूँ, कम ही खर्चे, सस्ते के लालच में आके ज़्यादा सामान ना ले लूँ। तो बस अब मैंने आज के लिए, अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा बोल ली है, जल्दी जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं आपको क्या क्या लेके आई। ओके, तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ यही टी शर्ट से जो मैंने पहनी हुई है, ये थी 100 रुपीज़ की एंड ट्रस्ट मी इसके पीछे ना डिज्नी लिखा हुआ है। कपड़े का फैब्रिक कपड़े की जो क्वालिटी है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब 100 रुपये के हिसाब से होता है ना कि वो बहुत होता है, एकदम हौजरी कपड़ा नहीं है, तो ये ना बिल्कुल एकदम कॉटन वाला कपड़ा है, काफ़ी अच्छा कपड़ा और ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से ना पेंट वगैरह जो भी है हो रखा है इस पर, पूरे पे मिकी माउस बना हुआ है ऐसे ही पूरा है। इसका थोड़ा सा ना येलोइश टोन में कलर है। ऑल इन ऑल ये काफ़ी अच्छा है, 100 रुपये के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नेक्स्ट आइटम है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ, ये देखो, पहले तो मैं आपको ना इसका प्राइस एकदम लास्ट में बताऊँगी। ये देखो उस, ये एक शर्ट है, आई डोंट नो ये कोई फेमस ब्रांड है कि नहीं, बट ऐसे है, ठीक है, ऐसे कॉलर पे भी डिटेलिंग है, ये वो है, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, इसके नीचे आपको कुछ पहनना पड़ेगा इनर वगैरह और ये पूरे पे ऐसे डिज़ाइन बन रखा है। प्लस इसकी ना बाजू में देखो थोड़ा सा ना ऐसे कट है तो इसमें भी थोड़ा सा डिज़ाइन हो रहा है और इसके नीचे भी ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसके नीचे भी ना ऐसा सा कोई डिज़ाइन सा बना हुआ है, पेपलम तो नहीं बोलूंगी बट ऐसे उन्होंने फ्रिल वगैरह सी दे रखी है। बस यार ऑल ओवर इस पर डिजाइनिंग वगैरह हो रखी है, प्लस इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये धार के धारियां सी आ रही हैं। अब तो मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ यार, ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। मतलब मेरे को नहीं पता, मैं ना फैशन वैशन में इतनी अच्छी हूँ नहीं, तो मैं बहुत बेसिक कपड़े खरीदती हूँ कि ऊपर पहना नीचे पहना, चलो भाई बढ़िया हो गया, और फिर जैसे अलग अलग चीज़ें लेयर अप वगैरह करना मुझे नहीं पता। इसमें मेन दिक्कत बस ये है ना, थोड़ी सी लंबी है, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़ी सी लंबी है, तो मैं शायद इसको टक इन करके ही पहनूँ, बाकी मेरे को था यार चाहे मैं इसको पहनूँ ना पहनूँ मुझे ख़रीदनी है क्योंकि 100 रुपये की है यार, इस पर पूरे पे कितना ज़्यादा काम हो रखा है, पूरी भरी हुई है, प्लस ब्लैक है, 100 रुपये की है। तो बस ये थी मेरी एक शर्ट ना यार, मैंने ली थी 2 स्कर्टें, इसकी तो मेरे पास कहानी है। तो क्या हुआ, मैं ना एक ही दी थी, मतलब वो ऐसी ना वो गोल गोल वाली, पता नहीं क्या बोलते हैं, थड़ी रेडी, पता नहीं, वो गोल गोल वाली जो होती है उस पर लिखा हुआ था कि 200 रुपीज़ की स्कर्ट्स हैं सारी, आप कोई भी ले लो, काफ़ी सारी थी। तो पहले तो ना मेरे को ये दिखी ये वाइट वाली, इसमें भी ना वो धारियां वाला काम हो रखा है, जैसे क्रेप पेपर में नहीं होता एकदम वैसे से हो रखा है, और इस पर नाड़ा है, बट आई डोंट नो नाड़ा क्यों दिया, यूजलेस है, मतलब नाड़ा नहीं है, बस ऐसे कपड़ा लगा हुआ है, आप इसको खींच नहीं सकते, ऐसे ही रहेगा ये। तो इसको तो मैं अंदर करके ही पहनना प्रेफर करूंगी, कुछ ऐसी सी दिखाई देती है, पूरी वाइट कलर की, काफ़ी लंबी है और ये बहुत फ्लोई नहीं है और बहुत कम फ्लोई भी नहीं है, एकदम परफेक्ट फ्लो आता है। इसके नीचे भी लाइनिंग भी लगी हुई है तो इससे कुछ इशू नहीं आएगा कि ट्रांसपेरेंट है, आपका कवर हो जाएगा, एकदम नीचे तक की लाइनिंग नहीं है, थोड़ी सी आके खत्म हो जाती है, आपके घुटनों से थोड़ी सी नीचे आके खत्म हो जाती है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली, क्योंकि इसको मैं काफ़ी ज़्यादा वेज में स्टाइल कर सकती हूँ, प्लस इसको मैं एथनिक वेयर में भी स्टाइल कर सकती हूँ, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। तो क्या हुआ, मुझे ना एक और स्कर्ट पसंद थी, ठीक है, वो है ये वाली, आई डोंट नो इस प्रिंट को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता इस प्रिंट को क्या बोलते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी, बट ना मेरे को था उस टाइम कि मैं क्या करूँगी इतनी स्कर्टों का, तो ना मैं पूरा चक्कर काट के, लेकिन मेरा दिमाग ना इसमें अटका हुआ था, थैंक गॉड ये मुझे पड़ी हुई मिल गई, किसी ने खरीदी नहीं थी तब तक, और मैंने ना फटाक से खरीद ली, ये भी 200 रुपये की थी, अगर मैंने साथ में ली होती तो थोड़ा सा बार्गेन कर सकती थी मैं शायद, जो कि मुझसे होता नहीं है, बट फिर भी ये पूरे में ऐसा है, इसका प्रिंट हो रखा है, ठीक है, और ऐसे ऐसे मतलब इनने ना ये
कुछ जोड़ी हुई है ऐसे फ्रिल सी बनी, मतलब जिससे ना आपका इसका घेरा उस वाले से काफी ज्यादा है इसका घेरा। तो मैंने तो सोचा है इसको कि ना मैं इसको एज अ लहंगा बना के पहनूंगी, मतलब ब्लैक कलर का कोई टॉप लेके या ब्लाउज सिलवा के उसको एज अ लहंगा पहनूंगी, क्योंकि इसका फ्लो बहुत अच्छा है और वो होता है ना एकदम, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, इंडियन वेयर में ना जाके थोड़ा सा वेस्टर्न लुक आ जाएगा, वेस्टर्न टच आ जाएगा अगर इसका मैं ऐसा लहंगा पहना के पहनूंगी। और इसका फ्लो बस आप ट्राई ऑन में देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, मतलब आई तो लव इट वेरी वेरी मच। उसके बाद बस एक ही क्लोथिंग आइटम बची है मेरे पास जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आई ना वो। इसके साथ तो मेरे को ऐसा था कि मैंने घर आके जब इसको ट्राई करके देखा ना, मैंने मम्मी को बोला मम्मी काश मैंने इसमें और कलर ले लिए होते, काश मैंने वहाँ से और भी ले लिया होता, मुझे इतना दुख हुआ, बट ठीक है मैंने ले लिया। वो है ये वाला कुर्ता यार, चिकनकारी कुर्ता, और कुर्ता भी नहीं मतलब शॉर्ट कुर्ती है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स ऐसे पिंक ब्लू मरून रेड काफ़ी सारे, और ज़्यादा डिज़ाइन भी थे पैटर्न थे। और ये मुझे मिली थी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये की यार, ये पूरी प्योर कॉटन है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब इतनी भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, देखो मेरा हाथ इतना भी नहीं दिखा, थोड़ी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है ये। एंड जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, ओ माई गॉड, एंड द कलर कितना ज़्यादा प्यारा है यार ये। इसके लिए सच्ची बताऊँ मेरे पास शब्द नहीं है, और अगर मैं इसको छोड़ के आ गई होती ना मुझे बहुत दुख होता, शुक्र है मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे अब दुख हो रहा है कि मैंने और क्यों नहीं लिए। तो ये कितना प्यारा है देखो, इसके एकदम बॉटम में भी ऐसे बॉर्डर बना हुआ है सेम डिज़ाइन से, बाजू भी इसकी 3/4 है उसमें भी ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है, और गले में तो आपको मैंने काम दिखाई दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम चलते हैं थोड़ी एथनिक ज्वेलरी के ऊपर, मतलब मेरा प्यार है, मैं सच्ची आपको बताऊँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ना मेरा एकदम ज़्यादा वाला ना प्यार है, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सरोजनी लाजपत या जनपद इनमें से किसी ऐसी जगह जाऊँ और मैं एथनिक सामान ना खरीद के लाऊँ। तो पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने एक ये नेकलेस से, मतलब जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, मतलब मैं कैसे फोकस नहीं आ रहा ना यार, फोकस, हाँ तो इसका ध्यान से देखो, मतलब इसको देखो यार ये कितना ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है, पूरे में ऐसे ऐसे डिज़ाइन रखे और नीचे घुंघरू लगे हुए हैं, साइड में इनने चेन दी रखी है, एडजस्टेबल है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग से रख सकते हैं, मतलब मैं आपको इसको, आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, मेरे को इसको एज अ चोकर चाहिए फिलहाल। इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मतलब, और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि ना ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता, तो आप इसको पूरे दिन भी बहुत आराम से पहन सकते हो। ये कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, ये मुझे मिले थे सिर्फ 30 रुपीज़ के, इसमें ऐसे ऐसा कोई डिज़ाइन है, उसके बाद उनने नीचे ऐसी लटकन सी दी हुई है, देखो यार ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे, मैंने कहा 30 रुपये के यार, थोड़ा सा देखो मतलब थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं यार, कम कम सा हो रखा है डिज़ाइन, बट मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सिर्फ 30 रुपये के तो थे ना यार। एक बार घुंघरू की आवाज़ सुनो यार, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। बाद मैंने लिया था एक और ब्रेसलेट, एक ही ब्रेसलेट मैंने लिया था जो कि है ये वाला, मतलब ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले तो मैं इसको समझ रही थी कि इसको पहनूँ कैसे, क्योंकि ना ये वाले में थोड़े से लटकन वटकन लगी हुई है तो मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, पर पहनने के बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, सी कैसे ये धागा से इसमें से निकल रहा है, इसको तो काटना ही पड़ेगा। तो देखो यार मतलब देखो, मैचिंग मैंने किया नहीं था, मैचिंग बस हो गया यार, बस मैचिंग, उससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इसमें तीन तीन ये दे रखे हैं, पूरे में देखो आप ही काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका हाथ कवर हो जाता है, और ये कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। और मेरा आप कंप्लीट लुक देखो, इसमें देखो ऐसे पतली पतली दे रखी हैं, फिर ऐसे ये मोटी वाली डिज़ाइन, फिर ऐसी पूरी ऐसी, और घुंघरू मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ के मिले थे, और इसमें देखो पर्ल डिटेलिंग भी हो रखी है, मतलब इसमें पर्ल दे रखे हैं, मतलब पर्ल क्या यार, पर्ल तो नहीं बोलते, मोती मोती मतलब है कुछ ऐसा सही,
और ऐसा नहीं कि एकदम लो क्वालिटी क्योंकि 30 रुपए की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे घुंघरू है, फिर यहाँ पे उनने ऐसे ऐसे स्क्वायर में वो दे रखी है ऐसी लटकन सी। अब ये वाले जो झुमके हैं ये कुछ ऐसे से दिखाई देते हैं और ये काफी ज्यादा बड़े हैं, 30 रुपए के हिसाब से देखा जाए काफी बड़े। अगर ये 50 रुपए में मिल रहे होते ना मैं तो तब भी ले लेते थे, पर 30 के मिलते थे तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता था ना यार, तो मैंने ये ले लिए। देखो यार मतलब ये कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और ऊपर से छन 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 की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। ये बहुत ही सुपर 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 लाइट वेट है। लास्ट हमारे झुमके पे वो है ये वाला, मतलब मेरे पास ना बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज तो काफ़ी है, बट मेरे पास कभी भी ना ये काले वाले नहीं रहे हैं और मेरे को ये चाहिए थे नीचे से। इनको क्या बोलते हैं ये जो बड़े वाले होते हैं, पर मेरे को पता क्या था, मेरे को ना काफ़ी बड़े चाहिए थे जो इतने तक आते हैं, पर मेरे को ना डिज़ाइन वगैरह सच्ची बताओ कुछ पसंद नहीं आया और मैं इतना थक चुकी थी कि मैं और जगह देखूँ, तो मेरे को ये वाले पसंद आए थे कुछ तो मैंने ये ले लिए। इसमें कुछ ऐसे ऊपर यार ये डिज़ाइन बना हुआ है, कोई शायद ये मोर बना है या पता नहीं क्या कुछ बना हुआ है, एक तो फोकस ही नहीं आ रहा यार, ऐसे दिखाता हूँ कुछ मोर सा बना हुआ है और नीचे ऐसी डंडी सी दे रखी है। मतलब मैं आपको सच्ची बताऊँ मैंने इंस्टाग्राम पे डिट्टो डिट्टो डिज़ाइंस देखे हैं एकदम कुछ 250 रुपये तक के भाई, और मेरे को ये मिला है 100 रुपीज़ में। हाँ थोड़ी बड़ी ज्वेलरी होती है और थोड़ी सी ब्लैक वाली होती है ना वो थोड़ी सी महंगी मिलती है, तो ये है कुछ ऐसी वाली। ये वाले जो इयररिंग्स है ये कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, इनको झुमके ही बोलते हैं ना यार, या फिर झुमके कुछ ऐसे होते हैं कि वो शायद जो ऐसे वाले होते हैं, सब झुमके तो होते हैं यार, सब झुमके ही होते हैं। तो ये वाले जो झुमके हैं ना ये कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, मैं क्या बोलूँ यार, मेरे पास सच्ची शब्द नहीं है अपने आज की ऐसी चीज़ों के लिए। मतलब किसी किसी चीज़ों के लिए होता है ना कि आपके पास शब्द नहीं होते, ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद आया है। और इसमें तो मैं सच्ची आपको बताऊँ मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत वाली फीलिंग आ रही है ना, आई जस्ट लव देम। तो गाइस मेरी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सरोजनी नगर जाने वाली हूँ ना तो मैं सोच रही हूँ मैं वीकडे में जाऊँ ताकि भीड़ कम हो और मैं व्लॉग भी बना के ला सकूँ आप लोगों के लिए, और जल्दी जल्दी हो सके तो मैं जाऊँगी जल्दी जल्दी से और ज़्यादा सामान सरोजनी नगर से खरीदूँगी, और मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ जो भी चीज़ें मैं लाई है, वरना हर बार कुछ ना कुछ निकल जाता है जिससे थोड़ा दुख होता है कि हाय क्या ले लिया पैसे खराब हो गए, पर आज मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, मेरे को सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है ना, और काफ़ी अच्छा सामान आ चुका है वहाँ पर। मतलब अगर आप ओवर साइज टी शर्ट पहनना चाहते हैं ना वहाँ पे तो भाई इतना भंडार है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे चारों जगह ना ओवर साइज टी शर्टें ही दिखी जा रही थी, पर मेरे पास थी तो मैंने कहा क्या पैसा खर्च करना इसलिए मैंने ली नहीं। तो आप भी ज़रूर जाके देखिएगा, और हाँ पानी की बोतल ले लेना यार, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। तो गाइस मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।